स्कूल वाला भी अच्छा है पर वो कम अच्छा लगता है। क्यों? जब पीते हो तो कोई मतलब कुछ ऐसा टेस्ट आता है? पाउडर का आता है। पाउडर में क्या हो गया, दूध तो है ना वो भी? हाँ। तो फिर जो 15 बच्चे हैं सारे दूध पीते या नहीं पीते? नहीं पीते। नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता? पीता है। जब टीचर आपको दूध देती है तो फिर क्या करते हैं बच्चे? टीचर के सामने तो ले ही लेंगे ना? टीचर के सामने ले लेते हैं, पर ना जब जाते हैं ना नाली में फेंक देते हैं सर जाते हैं तो। दूध मिलता है? हाँ। कहाँ का दूध मिलता है, वो जो पाउडर वाला दूध मिलता है या फिर जो घर का मिलता है, कहाँ का? पाउडर वाला। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। टेस्ट कैसा है? अच्छा है। ये घर वाला टेस्ट अच्छा है कि स्कूल वाला अच्छा है? घर वाला भी अच्छा है और स्कूल वाला भी। स्कूल वाला भी अच्छा है पर वो कम अच्छा लगता है। क्यों? जब पीते हो तो कोई मतलब कुछ ऐसा टेस्ट आता है? पाउडर का आता है। पाउडर में क्या हो गया, दूध तो है ना वो भी? हाँ, उसमें बास आती है। अच्छा, उसमें बदबू आती है। हाँ। तो बदबू, कैसी बदबू आती है, तो आप इसलिए नहीं पी पाते फिर? बेकार है। बेकार है? पहले तो आप कह रहे थे अच्छा है। अच्छा भी लगता है पर इतना अच्छा नहीं लगता। इसमें स्मेल आती है, तो फिर आपने टीचर को बोला नहीं कभी? नहीं। अच्छा, ये क्या क्या करते हो फिर? जितने बच्चे आपके, कितने बच्चे हैं क्लास में? हमारे 15। अच्छा, 15 बच्चे हैं बस? बस 15 ही बच्चे हैं? तो फिर जो 15 बच्चे हैं सारे दूध पीते या नहीं पीते? नहीं पीते। नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता? कोई कोई पीता है। तो जब टीचर आपको दूध देती है तो फिर क्या करते हैं बच्चे? टीचर के सामने तो ले ही लेंगे ना? टीचर के सामने ले लेते हैं, पर ना जब जाते हैं ना नाली में फेंक देते हैं सर जाते हैं तब। ये बात तो पता चल जाती होगी टीचर को? हम तो कुछ नहीं कहते हैं, पर सर को पता तो, पर बच्चे कह देते हैं सर उसे। अच्छा, बच्चे कह देते हैं? हाँ। तो फिर ये जो बच्चे हैं, सर को पता तो चल ही जाता होगा कि नाली में फेंका है, क्योंकि दूध तो दूध है, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। सर को नहीं पता चलता पर बच्चे कह देते हैं सर से। फिर सर क्या कहते हैं? फिर सर ऐसे मना करते हैं कि है ना, दूध अगर पीना नहीं है तो मत फेंको। तो इतने सारे जो पैकेट्स आएंगे फिर वो तो वेस्ट जाएंगे। हमको तो भैंस का दूध दे। तुम इधर आओ। क्या 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 बोल रहे हो? तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या पाउडर वाला दूध अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या मांगे सरकार से? सरकार क्या करे फिर? मैम देखो, अगर पाउडर वाला दूध बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो सरकार को पैकेट के बजाय भैंसों का दूध पिलाना चाहिए, स्कूल में भैंसों का दूध भेजना चाहिए। इतनी सारी भैंस कैसे लाएंगे भाई? वो तो सरकार की समस्या है, या तो डेयरी पर जाए या फिर भैंसों को, भैंस अधिक पाले। तो पहले जो दूध आता था, पहले तो पाउडर का दूध नहीं आता था, पहले तो वो डेयरी से ही दूध आता, तो वो वाला ठीक था जो वसुंधरा राजे जब CM थी उनके राज में आता था। जी मैम, वो दूध अच्छा था क्योंकि वो भैंसों का दूध था, लेकिन अब जो आ रहा है वो ना पैकेट वाला दूध है, इसलिए बच्चे कम पीते हैं उसको। यदि पीते भी हैं तो फिर थोड़ी बहुत तबीयत में ही फ़र्क पड़ता है बच्चों के। और क्या मांग सरकार से रखना चाहते हो? नहीं, और तो सरकार, कांग्रेस सरकार दे रही है मैम उनको। तो देखिए, यहाँ पर सरकार कई योजनाएं बच्चों के लिए भी चलाई हैं, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं, और ये बात मैंने भी सुनी है कि जो पाउडर वाला वो दूध है उसमें काफ़ी स्मेल आती है, और बच्चे यही कह रहे हैं कि जिस तरह से वसुंधरा राजे की सरकार में जो दूध पिलाया जाता था, जो डेयरी से आता था, वही दूध जो है वो अच्छा है। अब जिस तरह से बच्चे, तो बच्चे हैं और जो कह रहे हैं वो रियल भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।